हेलो गाइस, यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में GTA 5 खेलना चाहते हैं इंटेल एचडी ग्राफिक्स पे। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि क्या इंटेल एचडी ग्राफिक्स पे भी GTA 5 खेला जा सकता है, तो यार बिल्कुल खेला जा सकता है मीडियम सेटिंग्स पे GTA 5। तो गाइस यार इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो स्टेप्स बताऊँगा। इन स्टेप्स के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अपने पीसी में। तो गाइस यार अगर आप खेलना चाहते हो GTA 5 इंटेल एचडी ग्राफिक्स पे, तो आपको इस स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे पास इंटेल एचडी ग्राफिक्स का 520 सीरीज़ है जिस पर मैं खेल रहा हूँ। पर गाइस आपको इन स्टेप्स में बताऊँगा कि आपको अपनी वीडियो मेमोरी भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। तो गाइस अगर आप मेरे ये बताए हुए स्टेप्स फॉलो करते हो, तो गाइस आपको सिंपली 25 to 30 FPS आराम से मिलेगा गेम में, जिसकी वजह से आपका गेम क्रैश नहीं होगा या फिर लैग नहीं करेगा। और गाइस आपको एक स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। बस गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए, वीडियो पूरी देखिए, ताकि आपको पूरा ये जो सारा मैटर है समझ में आ जाए कि कैसे आपको बूस्ट अप करना है अपने गेम प्ले को और कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस फर्स्ट स्टेप में आपको नॉर्मली अपनी सर्च मेन्यू पे जाना है, और गाइस आपको अपनी सर्च मेन्यू पे टाइप करना है परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्मेंस टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे जो है एडजस्ट द परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। तो गाइस आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, आपको थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। जब गाइस आप इसे टिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसेस को बूस्ट अप कर देगा, जिससे आपका गेम बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छे FPS पे चलेगा और लैग नहीं करेगा। ये गाइस फीचर गेमिंग के लिए ही है। अब गाइस सेकंड स्टेप के लिए आपको अपना GTA 5 ओपन करना है और सेटिंग्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है। अब गाइस आपको ये जितनी भी, मैं पहले ही बता दूँ सीरियसली, कि जितनी भी ग्राफिक्स में जाके आपको मेमोरी टोटल दिखे, जैसे यहाँ पे 1982 मेरी है MB टोटल है, तो गाइस इंटेल एचडी ग्राफिक्स में ये पूरी शेयर्ड मेमोरी है। ये मेमोरी आपका कंप्यूटर भी यूज़ करता है इसमें से थोड़ी भी। तो आप ये पागलपंती ना करें कि आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें ग्राफिक्स को, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। तो गाइस अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड स्टेप में बस जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ इन्हें फॉलो कीजिए, और गाइस आपको मैं गारंटी देता हूँ कि एक स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो इन्जॉय कीजिए और आराम से सेटिंग्स फॉलो कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करें। गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये फायदेमंद लगे, एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। We'll be right back.